राजस्थान का सियासी ड्रामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज इसमें एक ऐसा मोड़ आ जाता है जो लोगों के समझ के बाहर हो जाता है। कभी विधायकों को जैसलमेर के एक 5-स्टार होटल में रखा जाता है, तो कभी जयपुर के एक 7-सितारा होटल में ऐश काटी जाती है। वहीं अगर सचिन पायलट की बात की जाए तो सचिन पायलट भी अपने खेमे के विधायकों को लेकर हरियाणा के एक होटल में बाड़े बंदी में रह रहे। हर रोज राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ राजस्थान की सियासत को पूरा हिला करके रख देता है। अब ऐसा ही एक नया मोड़ राजस्थान की सियासत में आया जब अशोक गहलोत ने बागी विधायकों के खिलाफ राजद्रोह के केस को वापस ले लिया। सियासी गलियारों में ये बातें तेज हो गई कि अशोक गहलोत ने घुटने टेक दिए। अब इसी बीच सचिन पायलट गुट के विधायकों की तरफ से एक अर्जी सियासी गलियारों में घूम रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर हमें ना सचिन पायलट से मतलब है ना अशोक गहलोत से, अगर इन दोनों को हटा करके कोई तीसरा सीएम बना दिया जाता है तो भी हम पार्टी में आ जाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत के खेमे के विधायक तो अपनी सदस्यता को बचा करके रखे हुए हैं, पर सचिन पायलट के खेमे के विधायक वो हैं, वो अपनी सदस्यता और अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगाने से डरे हुए हैं। इसी बीच राजस्थान की सियासत में एक बात तूल पकड़ गई, जो कि ना सचिन पायलट बनेंगे, सीएम अशोक गहलोत बनेंगे। सीएम बनेगा कोई तीसरा ही चेहरा। अभी तीसरा चेहरा कौन सा हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। अगर गौर किया जाए तो सचिन पायलट अशोक गहलोत के अलावा राजस्थान कांग्रेस में सिर्फ एक ही बड़ा चेहरा है और उनका नाम है सीपी जोशी। सीपी जोशी को भी नए चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ बात की जाए लालचंद कटारिया की तो उनका नाम भी इस लिस्ट में आता है। और इसी के साथ अभी पीसीसी चीफ बने हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनका भी नाम इस चेहरे की लिस्ट में आता है। अगर विधायकों ने अपनी सहमति जता दी और वो चाहते हैं कि उनकी सदस्यता नहीं जाए और वो हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहें और पार्टी के साथ अपनी वफादारी दिखाएं, सीएम फेस बदल दिया जाए ताकि आपसी मतभेद खत्म हो जाए और राजस्थान की सियासत बची रहे और सुर्खियों में भी ना आए। इसे कहते हैं सियासत, जहां राजस्थान की सियासत के दो बड़े चेहरे अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं, वहीं उनके खेमे के विधायक अपनी सदस्यता को इन दोनों से ज्यादा महत्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि वो अब इन दोनों की जगह किसी ऐसे सीएम की तलाश में हैं जिसे ना किसी को बैर हो और ना ही ज्यादा प्यार। और अब की बार सरकार होटलों के बजाय सरकारी दफ्तरों से ही चले। ये थी राजस्थान की सियासत पर हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की पॉलिटिक्स से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।